ओके नमस्कार दोस्तों, आज बड़े लंबे अरसे के बाद मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। आज अपन विषय ले रहे हैं नोटिस, सूचना। नोटिस किसी भी वाद को संस्थित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, वाद दायर करने के लिए नोटिस एक आवश्यक तत्व है, या यूँ कह लीजिए कि वाद की मंजिल बनाने के लिए नोटिस एक नींव है। नोटिस दो तरह के होते हैं, लीगल नोटिस और एक जनरल नोटिस। अगर किसी संस्था के विरुद्ध किसी राज्य सरकार, निकाय, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध अगर अपने कोई उनके कृत्यों के विरुद्ध या किसी ऐसे कार्य से जिससे लोक हानि होती है या आपकी व्यक्तिगत हानि होती है या आपको नुकसान हुआ है, उसके बारे में अगर कोई वाद दायर करना है, तो वो वाद दायर करने के लिए आपको सबसे पहले सीपीसी यानी सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत लीगल नोटिस संबंधित संस्था अधिकारी को देना होता है। अगर आपको नगर पालिका के विरुद्ध कोई ऐसी दावा अगर आपको करना है, तो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को नोटिस देना होता है। अगर जिले के अगर किसी कार्य के बारे में अगर आपको दावा करना है, तो जिला अधिकारी को देना होता है। राज्य सरकार के विरुद्ध अगर आपको दावा लाना है, तो राज्य सरकार के सचिव को, मुख्य सचिव को आपको नोटिस देना होता है। और अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध अगर कोई दावा दायर करना है, तो आपको भारत सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस प्रेषित करना होता है। और नोटिस के पश्चात 2 माह का समय उसमें निश्चित करना होता है। 2 महीने के समय के पश्चात आप संबंधित अधिकारी या संबंधित संस्था के विरुद्ध, संबंधित लोक अधिकारी के विरुद्ध आप दावा सिविल सूट दायर कर सकते हैं। इसके लिए ये नोटिस बहुत जरूरी है। ये है लीगल नोटिस, लीगल प्रोसीजर, जो एक लोक प्राधिकारी कार्यालय या लोक प्राधिकारी अधिकारी के विरुद्ध दावा संस्थित करने के लिए इस तरह से ये प्रथम श्रेणी कही जा सकती हैं। तो प्रथम श्रेणी के रूप में ये एक नोटिस प्रेषित करना होता है, जिसे लीगल नोटिस कहा जाता है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत दिया जाता है। इसके पश्चात आपके मूल वाद का है जो संस्थित किया जा सकता है। इससे पहले आप किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ, किसी सरकारी कार्यालय के खिलाफ या सरकार के खिलाफ दावा दायर नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपको नोटिस की, लीगल नोटिस की जानकारी, क्योंकि इसके बगैर आप दावा संस्थित इन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। दावा की प्रथम सीढ़ी के रूप में ये नोटिस होता है। दूसरा जो नोटिस होता है वो है जनरल नोटिस, वो भी यही है, दावा की प्रथम सीढ़ी के रूप में ही उसको भी काम में लिया जाता है। दावे की नींव कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। जो जनरल नोटिस हैं वो भी इसी तरह से दिया जाता है, जैसे आप 2 व्यक्तियों के बीच में किसी संव्यवहार के बारे में जो नोटिस दिया जाता है, वो जनरल नोटिस की तारीफ में आता है। जैसे आपने किसी से रुपए उधार लिए और वो व्यक्ति अगर रुपए अभी तक नहीं लौटा रहा है, तो उनको एक नोटिस दिया जाता है कि भाई आपने फलाफला दिनांक से, फलाफला व्यक्ति से आपने मुझसे ये इतने रुपए फलाफला जगह से लिए थे, जो आज दिन तक आपने मुझे नहीं लौटा है। मैंने कई बार इसका तकाजा किया है, फिर भी नहीं लौटा है। अब अंतिम बार आपको इस नोटिस के जरिए ये सूचित किया जा रहा है कि आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिन, महीना, 2 महीने, जो भी आपको उचित लगे, जो समय अपन लिखवाते हैं, उसके अंदर अंदर यह भुगतान कर दे, अन्यथा आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दावा दायर किया जाएगा। तो इस तरह से ये उसकी भाषा होती है, जो संव्यवहार को एक लीगल जामा पहनाया जाता है, और उस नोटिस को आधार मान करके कि हमने ये नोटिस देने के उपरांत भी आपने वो समय पर पूरा नहीं किया है,
तो ये नोटिस आपको प्रेषित हैं। और नोटिस के जो समय है, नोटिस का समय सीमा गुजरने के पश्चात भी अगर वो समव्यवहार नहीं रहता, आप उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दावा दायर कर सकते हैं। दावे के बारे में, इस नोटिस के बारे में विस्तृत विवेचना अगले वीडियो में आएगा, तो आप देखना ना भूलिए मेरा अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।